हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसको भली भांति पढ़ रहे होंगे। देखिए, आपका जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो मेरा जो पढ़ा रहे हैं सभी स्टाफ पढ़ा रहा है वो सार्थक नहीं होगा। आप मेहनत से पढ़ेंगे तभी पढ़ाना आप लोग का सफल होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, खास करके अभिभावकों से, कि जब आप छोटे बच्चे हैं, क्योंकि थर्ड फोर्थ तो आपके बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनको आप पढ़ाते समय कोशिश करिए कि अपनी निगाह में रखें, तभी ये पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो छोटे बच्चों को इतनी समझ है नहीं, ये पढ़ेंगे कम और गेम खेलेंगे ज़्यादा, गाना सुनेंगे ज़्यादा, कार्टून देखेंगे ज़्यादा। इसलिए अपनी निगाह में इनको बैठा करके, आप कोई काम भी कर रहे हैं तब भी इनको सामने बैठा इनको आप देखते रहिए नज़र में, उनको सलाह देते रहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको काम पूरा करो, फिर अन्य चीज़ें करो। अच्छा, फिफ्थ की किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं और 3, 4, 5 सभी को व्याकरण पढ़ना है। दूसरा पार्ट हमने वर्ण विचार समाप्त कर दिया है। इसमें कुछ अभ्यास दिया गया है, इसको आपको करना है, भरना है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, वर्णमाला में 33 होते हैं, यारा लवांतस्थ होता है, संयुक्त 4 होते हैं, अन आहा को अयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये भरना है, सही गलत करना है। इस अब अगला पार्ट आपका है शब्द विचार। हेडिंग आपके आगे है सब, इसकी परिभाषा लिखिए। दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हेडिंग आप डाल लीजिएगा, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे चा, मा और न मिलकर के क्या बनेगा, चमन। जैसे करके लिखो, और मा धन औ की मात्रा, धन सा धन बड़ी की मात्रा, क्या बनेगा, ये है मौशी। ठीक, अगला आप लिखिए, इसमें हलन का पता लीजिए। पाधन बड़ा धन, पाधन साधन बड़ा आपका क्या बनेगा, ये देखिए जब मिल करके बन जाएगा तो पा में बड़ा की मात्रा लग जाएगा, पा हो जाएगा, था हो जाएगा, ये जब मिल जाएगा तो था हो जाएगा, ये जब मिल जाएगा तो सा बड़ा हो जाएगा, ये जब ला ला में बड़ा की मात्रा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पाठ साला बन जाएगा। ठीक, ये आपका शब्द होता है। शब्द होता क्या, दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर का जो मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि चा मिला, मा मिला, ना मिला, तो ये चमन बन गया, मा मिला, आ मिला, ये मौसी हो गया, ये पा, ये बनकर के पाठशाला हो गया आदि। अगला आप लिखिए, शब्दों का वर्गीकरण। क्या लिखोगे आप, शब्दों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण।
देखो शब्दों का वर्गीकरण तीन आधार पर, शब्दों का लिखिए, शब्दों का वर्गीकरण तीन आधार तीन आधारों आधारों पर किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण में लिखिए, शब्दों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है। लिखते समय आप सुंदर लेखन का यानी अच्छी लिखावट पर ध्यान दोगे, यानी अच्छी लिखावट में आप लिखोगे। पहला आप जानिए उत्पत्ति के आधार पर, नंबर एक डालिए उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब डालो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। नंबर एक लिखोगे का तत्सम शब्द, नंबर दो तद्भव शब्द, ता है तद्भव शब्द, नोट करते चलिए, पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और चौथा आपका है विदेशी शब्द। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए और आप होमवर्क में सुलेख लिखना है और दस शहरों के नाम लिखना है, तीसरा पांच देशों के नाम लिखना है, पांच देशों के नाम लिखिए, चौथा है 12 महीनों के नाम, नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। कल नागपंचमी है, नागपंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुजिया खूब बनाइए, खूब गुजिया खाइए, मम्मी के साथ में गुजिया बनाइए, सहयोग करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।